हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं नई क्रेटा के बारे में। सही सुना आपने, नई क्रेटा। देखो, ऑलरेडी क्रेटा की डिलीवरीज अभी तक पेंडिंग पड़ी है, लेकिन ह्यूंडई कंपनी ने इंडोनेशिया में इसे अनवील कर दी है। अगले महीने इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडोनेशिया में। इंडिया में आएगी ये अगले साल, यानी कि कुछ ही महीनों बाद। लेकिन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि नई क्रेटा में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप एक नई गाड़ी लेने में कन्फ्यूज्ड हैं तो डोंट यू वरी, मैं आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर करने वाला हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, कॉल पे बात करेंगे या वीडियो कॉल के जरिए मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे जल्दी से मैसेज कर दीजिए। बात करते हैं इसकी क्रेटा के बारे में। तो क्रेटा फेसलिफ्ट वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट नई ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ट्यूसन से इंस्पायर्ड है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ ये सामने आई है। यहाँ पर हिडन इसके DRLs हैं, जो अच्छी तरीके से नहीं दिखते लेकिन ऑन होते हैं तो दिख जाते हैं। उसके साथ हेडलाइट सेटअप आपको नीचे की तरफ मिलेगा। नई ग्रिल डेफिनेटली काफ़ी एग्रेसिव है। आप मुझे बताएं, अभी आपको अभी वाली क्रेटा अच्छी लगती है या नई वाली क्रेटा? बात करें चाहेंगे इसके और डिज़ाइन की, तो ऑफ कोर्स बम्पर, ग्रिल, उसके नीचे फॉग लैम्प्स और हेडलाइट सब कुछ चेंज कर दिया गया है। फ्रंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये क्रेटा है। फ्रंट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो फॉग लैम्प से लेकर बम्पर, हेडलाइट से लेकर क्रोम इसकी लाइनिंग तक और LED DRL से लेकर इसकी ग्रिल तक सब कुछ चेंज कर दिया गया है, और लग ही नहीं रहा है कि ये अभी वाली क्रेटा है। फेसलिफ्ट कम, ये नई नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा लग रही है। आप बताएं आपको क्रेटा का नया डिज़ाइन कैसा लगा? अगर हम डिज़ाइन इसके साइड्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। साइड डिज़ाइन भी ओवरऑल वही बॉक्सी एलिमेंट ही आपको मिल जाता है। टेल लैंप्स में छोटा सा एक डिटेलिंग का डिफरेंट है, जो LED टेल लैंप्स हैं वो थोड़े से एक्सटेंड किए गए हैं, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट मेजर हाईलाइट है इसके फीचर्स। दो सबसे बड़े फीचर्स जो आपको नई क्रेटा में मिलने वाले वो है ADAS फीचर्स, और कंपनी क्यों ना दे, देने पड़ेंगे। MG Astro में आपको ADAS मिलने शुरू हो गए हैं, तो ह्यूंडई कंपनी को कोप अप करना है तो डेफिनेटली ADAS फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इनफैक्ट किया कंपनी को भी सेल्टोस में ADAS फीचर्स अब जल्दी लॉन्च कर देने चाहिए। इंटरेस्टिंगली दूसरा फीचर आया था इसके 360 डिग्री कैमरास, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ADAS में हेल्प होगी ही होगी, लेकिन पार्किंग में भी आपको कहने की हेल्प मिलेगी, बिकॉज इस सेगमेंट में क्रेटा ही थी जिसमें मिसिंग है 360 डिग्री कैमरास। अगर हम मेजर गाड़ियों की बात करें, यानी कि सेल्टोस और एस्टर, दोनों में ही आपको प्रॉपर कैमरास मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, तो क्रेटा का ज़रूरी है यहाँ पर 360 डिग्री कैमरास के साथ आना। एक और अपडेट है जो मेजर है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 10.25 इंच का प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर है, जो कि आपको Alcazar में मिलता है, वो अब क्रेटा में भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो जो हर किसी को पसंद भी आएगा। बाकी 8 स्पीकर का बोस का सिस्टम, आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है ही, पेनोरामिक सनरूफ के साथ साथ वेंटिलेटेड शीट्स भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, कूल्ड ग्लव बॉक्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्योरीफायर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन ADAS में अगर मैं बात करूं तो लेन कीप असिस्ट आपको मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको मिलेगा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग विद फॉरवर्ड कोलिजन, कहीं ना कहीं ये जो लेवल 2 ऑटोनोमस वाले हैं वैसा ही होने वाला है, और हर किसी को पसंद भी आएगा फॉर श्योर। बात अगर करूँ इसके पावर ट्रेन्स की, तो इंजन ऑप्शंस में इंडोनेशिया में तो देखो वैसे को वैसे ही 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ही है, लेकिन इंडिया में ऑफकोर्स आपको 1.5 लीटर का डीजल और 1.4 लीटर का जो टर्बो चार्ज इंजन आता है वो मिलेगा ही मिलेगा। इंडोनेशिया में भी अगले महीने लॉन्च करेगी इसको कंपनी, प्राइजेस वगैरह तब आ जाएंगे हमारे सामने, हम कंपेयर भी करके आपको बताएंगे कि एग्जिस्टिंग और नई क्रेटा में प्राइस का कितना फ़र्क आया है। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद लॉन्च किया जाएगा इसको कोरिया और चाइना में, उसके बाद भारी आती हम इंडियन भारतवासियों की जब आपको ये नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास इस गाड़ी को प्रॉब्ली लॉन्च कर दे कंपनी। लेकिन ध्यान ये रखें कि बहुत लोगों की पेंडिंग जो डिलीवरीज है वो एक एक साल की, अभी चल रहा है नवंबर, अगले नवंबर में उनको गाड़ी मिलनी है तो जून में नया आ जाए तब क्या करेंगे? इसका जवाब तो ह्यूंडई कंपनी ही आपको प्रोवाइड कर पाएगी। मेरा काम तो आपको अपडेट देना गाड़ी के बारे में। डेफिनेटली अच्छी लग रही है गाड़ी, फीचर्स में भी किस तरीके के कुछ चेंजेस हैं, डिज़ाइन में कुछ तरीके के चेंजेस, और कहीं ना कहीं मुझे नई क्रेटा ज़्यादा अच्छी लग रही है, स्पेशली इसके डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ। लुक्स रियली गुड। प्रॉपर फोटो वीडियोस आपके लिए मैं पूरी वीडियो में दिखाता रहा हूँ, फिर भी कुछ रह गया तो वो भी आपको मैं दिखा ही दूंगा। ध्यान रखिए जो इंटीरियर में इसमें दिखा रहा हूँ इंडोनेशिया वाली फोटोज में, वहाँ पर 8 इंच की टच स्क्रीन आती है, लेकिन इंडिया में 10.25 इंच जैसी अभी आती वैसी ही आने वाली है। क्लस्टर डेफिनेटली हमें डिजिटल मिल जाएगा, और छोटे मोटे चेंजेस हैं इंडिया वाले और इंडोनेशिया वाले में, बट मैंने आपको सारे चेंजेस मेजर बता ही दिए। एस्ट्रो सेल्टोस के साथ इसका मेजर कॉम्पिटिशन, और हम कहीं ना कहीं खुद चाहते हैं कि आप तक
ये गाड़ी जल्दी पहुंचे, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।